नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं एसो पंच नमुक्कारो सर्व पावप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सत्पात्रता युक्त उत्तम सत्पात्रता युक्त शिष्य अनिश्चय सद्गुरु बोध के मेनो यथायोग्य सुमेल तथा समन्वय तथा अज्ञान अंधकार को नाश। आध्यात्मिक फॉर्म में समझिए सिद्धांत मुख्य से बहुत अच्छे अच्छे थॉट हो स्वयं ने सावधान कर दिए हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं
कर्मवृताम् विज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानमुक्तिविरामानाम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे श्री परम गुरवे परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः मंगलमय मंगलकरम वीतराग विघ्नहारम नमो तारयाते अये अरिहंतम महो गुरु के माध्यम से अपने आत्मा तक कैसे पहुंचना इसका संक्षिप्त बयान किया गया है। गुरु कोई व्यक्ति है और गुरु कोई व्यक्ति नहीं भी है। अनंत गुरु हो गए वर्तमान में कलिकाल के प्रभाव से थोड़े ही सच्चे गुरु होते हैं और आगामी अनंत काल में अनंत होएंगे। गुरु पद इसको आचार्य कहो इसको उपाध्याय कहो इसको साधु कहो इसको सद्गुरु कहो इसको संत शिरोमणि कहो इसको जो कुछ भी कहना है मगर उसके दो कम से कम दो सद्गुण अनिवार्य है। एक शुद्ध आत्मज्ञान और एक संयम। एक शुद्ध आत्मज्ञान और एक संयम। इन दोनों के अभाव में सद्गुरु का पूरा स्वरूप बन नहीं पाता। फिर भी देश काल को लेकर के आचार्यों ने और ज्ञानियों ने दोनों को कभी कभी एक भी कर दिया। जैसे गुरु की दो व्याख्याएं आत्मसिद्धि शास्त्र में मिलती है। पहली गाथा जो दसवीं है वो सिद्धांत पद्धति से कथन है और दूसरी जो है वो अध्यात्म पद्धति से बताई गई है। उसका नंबर 38 है जी 34। दसवीं में सिद्धांत पद्धति से बताया कि सद्गुरु कैसे होते हैं। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्ण वाणी परम शुद्ध ऐसे सिद्धांत से विस्तार से बताया और दूसरा संक्षिप्त में बताया अध्यात्म पद्धति से कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सद्गुरु। आत्मज्ञान त्यागनिपणो ते साचा गुरुवो बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थि नहीं जो मोक्ष प्राप्त करने की यह शर्त है कि दिल खुला रहे और जहां से जितना सत्य मिलता है वहां से उतना स्वीकार करो।
डोंट बी डोमिनेटेड। क्या हठवाद है, मतवाद है, अति आग्रह है, खींचाकारी है, वह तत्व नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा करने के लिए राजद्वेष तीव्र करना पड़ता है, और जहां तीव्र राजद्वेष करना पड़ता है वह ऊंची आध्यात्मिकता पनप नहीं सकती, पनप नहीं सकती, नहीं अस्तित्व ही नहीं होता उसका। जिसमें बहुत राजद्वेष है, विशेष राजद्वेष है, वहां पर आध्यात्मिकता ही नहीं होती सच्ची, और जहां आध्यात्मिकता होती। जिस अपेक्षा से कहा जाता है उस अपेक्षा से सोच, मार्ग तो एक है, वीतराग मार्ग तो एक ही है, वीतराग, इसके कई नाम है, उसको शुद्धोपयोग भी कहते हैं, यहां पर उसको हम शुद्ध आत्मज्ञान कहते हैं। तो ये जनरल बात कर रहे हैं, इसके सिलसिले में आज का पद है। भक्त कवयित्री जिसका पिक्चर कहो या एम्ब्लेम कहो सामने सबको मालूम, मीरा कोई हिंदू धर्म में प्रचलित है ऐसा नहीं, पूरे भारत में भी प्रचलित है और विदेश में भी प्रचलित है, क्योंकि उसके जो पद है उसके फ्रेंच, इंग्लिश, ग्रीक सब भाषाओं में उसके भाषांतर हुए हैं और पूरी दुनिया में कम ज्यादा मात्रा में उसके पद, उसके भक्ति के पद, प्रभु की भक्ति के पद और गुरु की भक्ति के पद डाले जाते हैं, और इससे अपने आत्मा को भावित किया जाता है। सदगुरु पद में समात है अरिहंतादि पद सर्व, ताते सदगुरु चरण को उपासो तजि कर्म। वो उस सेंट्रल आइडिया को लेकर के आज का पद है, बहुत छोटा, एक मेरे ख्याल से ज्यादा लोग के पास पुस्तक आ गई है, नहीं है तो देव जी के सब दे दी, ठीक है। पेज 330 और पोएम नंबर 67 एक एक लिटी पहले दोहराएंगे, सुनने के लिए नहीं आए, समझ करके सुधरने के लिए आए। सुना तो बहुत सुना और बहुत उपदेश भी बहुत दिया, बहुत हजारों को उपदेश दिया, मगर जो नहीं हुआ वो करना। अध्यात्म साधना अलग होती है, गंभीर है, धीर वीर साधकों को प्राप्त होती, यानी मतार्थी को प्राप्त नहीं होती, आत्मार्थी को ही आत्मा प्राप्त होता है। इसलिए बहुत लंबे समय के लिए अपने में जो मतार्थी के लक्षण है वो निकालने पड़ेंगे और आत्मार्थी होना पड़ेगा। हे भगवान, आपके उपदेश का सार मेरे ख्यालात में आवे और मैं उसको अनुसरूं, मैं उसके अनुसार मेरे जीवन में चलूं, ऐसे मुझे शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, समझ दीजिए। पहले पूरा बोल दे,
चार मिनट लगेगी, फिर आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि संगीत आएगा तो फिर विक्षेप होगा। मोहि लागि लटक गुरु चरणन की, मोहि लागि लटक गुरु चरणन की, मोहि लागि लटक गुरु चरणन की, मोहि लागि लटक गुरु चरणन की। चरण में ना नहीं होता है।
होती पढ़ पढ़ सबम पंडित भयानक हो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ज्ञान भी जरूरी है श्रद्धा भी जरूरी है मगर नियामक तो शांत हो आत्मसन्मुख हो। सम अधिक चित्त की स्थिति को एकाग्र करके ज्ञानानंद जो अपना निज स्वरूप है उसकी ओर ले जाकर के उसमें उसमें डब डूबो गया शुभ अशुभ भावों का अंत हो जाता है और शुद्ध भाव का प्रागट्य होता है तब जाकर के मोह का नाश। इसका सरल उपाय ब्रह्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ सद्गुरु को खोजना और खोज करके उसकी आज्ञा का पालन करना। पूरी भारतीय परंपरा में ये बात आई साथ में बोली दसवीं आत्मस्मृति सेवे सद्गुरु चरण त्यागे गए निज पाक पावे ते परमार्थ गे निज पद नो पावे ते परमार्थ ने निज पद नो अपने जीवन की बात भक्त पवित्री मीरा बता बहुत संक्षिप्त मुरलागी लटके गुरु चरणन की मुरलागी लटके गुरु चरणन की और दूसरी चर चर ले लेना चरण बिना मुझ कछु नहीं पावे चरण बिना मुझे कछु नहीं पावे झूठ माया सब सपने की मोहिलागी लटके चरण के मोहिलागी लटके गुरु चरण। तत्व का स्वरूप बता तुमको क्या अच्छा लगता तुम्हारी श्रद्धा कहां है तुम्हारी प्रतीति कहां है तुम्हारा प्रेम कहां है तुम्हारा चित्त कहां है तो गुरु में सदगुरु में वो इसका यहां बयान नहीं किया इसलिए संक्षिप्त संक्षिप्त बने कितनी लगन लगी है लटक सुना है ना शब्द स्पेशल दुनिया की सब चीज अच्छी नहीं लगती और एक ही चीज अच्छी लगती है तो उसको लटक कहते कभी लगन भी कहते लटक बहुत कठिन है कैसे जो इधर उधर हो जाती है वो लटक नहीं है और लगन भी नहीं है वो तो एक सोशल कन्वेंशन सामान्य रूप से तो भारतीय समाज में लगन एक पवित्र संस्कार
ऋषि मुनियों ने आर्य समाज समस्त आर्य समाज ने उसको स्वीकृत किया। मुझे किसकी लटक लगी है, मुझे किसकी लगन लगी है, वो अपना अनुभव कहते हैं मेरा। मुझे लागी लटक गुरु चरण ने की, राग द्वेष से रहे, स्वार्थ से रहे, शुद्ध आत्मज्ञान से सही, चाह चिंता जिसकी चली गई है ऐसे महापुरुष के चरण की लटक जिसको लगती है वो भी उसी के जैसा क्रमशः हो जाता है। मगर वो सुनने में और कहने में जितना आसान है उतना करने में आसान नहीं है। क्या ऐसा ऐसा क्यों कहते हैं? इसके लिए तत्व का निर्णय होना चाहिए, इसके लिए तत्व का निर्णय होना चाहिए। सभी भक्तों ने गाया सब तरफ सद भटा प्रभु के चरण में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे, मान ले कहना हमारा दिल की लालच छोड़ दे, दिल की लालच छोड़ दे, दिल की लालच छोड़ दे। बहुत लंबे काल से अनादि काल से जीव को जड़ पदार्थों की ओर स्वयं आकर्षण होता है क्योंकि भव भव में वो ही किया है। प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस की, माल प्रैक्टिस में उल्टी प्रैक्टिस, जैसी करनी चाहिए थी उससे उल्टी की, सब हम सब लोग ने किया है। जो जीव रखड़ते हैं संसार में उन सबको पुद्गल आनंदी कहते, जड़ानंदी कहते। बहिरात्मा कहते, घोर ज्ञानी आत्मा कहते, जड़ात्मा कहते। जिसको जिससे प्रीति होती है वो क्रमशः वैसा हो जाता, अध्यात्म पद्धति से समझना। ज्ञान सच्चा ज्ञान आनंद की प्राप्ति का, और दुनिया के जड़ पदार्थों की जो लगन रहती है, चाह रहती है, उसकी ओर ढलन होती है, वो ही सभी अज्ञान का मूल है। ज्ञान वाणे क्रिया में प्रवृत्ति पढ़ते थे तेम थाय छे, बहुत आगे दो ही है, एक जड़ात्मक है और एक चैतन्य। जड़ात्मक है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और पाप के बंध का कारण है, दुर्गति के बंध का कारण है। वर्तमान में भ्रांति से कुछ ठीक लगता है मगर बहुत पाप का संचय करता है और जन्म जन्म घुमाता है।
हम लोग अभी के अभी के ऐसे हुए ऐसी बात नहीं है। ज्ञानियों ने किसी ने दो भाव देखे, तीन भाव देखे, पांच भाव देखे, दस भाव देखे, पचास भाव देखे, हमको जगा दे, हमको शायद मैं सो गया हूं क्या, नींद में ही है। जन्म जन्म के सोए अभागी, जागत जागत जागेगा। जन्म जन्म के सोए अभागी, जागत जागत जागेगा। रंग लागत लागत लागेगा, ब्रह्म भागत भागत भागेगा। रंग लागत लागत लागेगा, ब्रह्म भागत भागत भागेगा। अनंत काल थी आथड़े बिना भाल भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मुक्यू नहीं। बहुत बड़ा ये दीता छोटा है, अभी पद सुना ने मुनिराज को भी, बाद तो मुनिराज है, दिखता छोटा है, वहां तक अगली भीड़ तक जाते हैं, इससे भी आगरा। सब चीजों की और जो नकाब होता है उसको समझ करके समझ करके समझ करके अपने लगाव को कम करना, 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 एक विस्तारात्मक मोक्ष ज्ञान है और एक संक्षिप्तात्मक मोक्ष मार्ग है। दोनों मान्य है, हम लोग की बुद्धि कम है, हम लोग कि बुद्धि कम है, फिर भी महापुरुषों ने तो दोनों पद्धतियां बताई है ताकि हम लोग भूल सकें। अन्य कहानियों क्या है सब गिना दे। नमारा तन रूप कांति होते ना पुत्र के प्रार्थना, ना मारा बुत से यो सजन के ना गोत्र के नातना, ना मारा धन दाम यौवन दा के मोह अपना करा। रे जीव विचार के मन सदा अन्यत्र भावना, अन्यत्र भावना। कभी कभी छोटे में कह, छोटे में भी कह, एक जट और एक चित। टाइम है, प्रज्ञा है, सदगुरु का आश्रय है, तो इसका विस्तार समझो, कौन माने, मगर इसका विस्तार नेगेटिवली समझना, एब्सर्ड रिडक्शन मेथड ऐसा कहते हैं। नॉट दिस 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 नीति नीति वचन निगमाय वोच सं देव देव मज मज्जुत माहुरग्रम। नीति नीति ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा विस्तार समझो, क्योंकि ये जीव अनादिकाल से जड़ का प्रेमी है, जड़ का जड़ पदार्थों को ग्रहण करने में वो तत्पर है। और भगवान चैतन्य आत्मदेव को न जाना न श्रद्धा अनुभव की तो बात ही नहीं है। इसके संस्कार बहुत पक्के हो गए, जड़ मोह अज्ञान इसके संस्कार बहुत
ये विद्वान को पूछो दर्शन मोहनी की स्थिति कितनी लंबी होती है, वो कहते सित्ते कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, वो हम लोग को समझ भी नहीं क्या कहते हैं, मगर है सच क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी सार है। जगत जीव है कर्मा देना अचरज कछु न लेना, आप स्वभाव मेरे और दूसरा मगर मेरे, कबूक काली कबूक पाली कबूक आप ब्राजी जी कबूक जग में कीमती गाड़ी सब पुतगल के बाजी, आप स्वभाव मेरे अब दूसरा मगर में, ऐसा मुझे हुआ ऐसा कहते और लगन लगी गुरु के चरण से, सदगुरु के चरण, चरण के तीनों अर्थ समझ लिया, चरण मायना पांव, दिव्य इनके चरण जिसकी पूजा करते हैं, गुरु पूजा कहते हैं ना, ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु देव, गुरु के पदों की पूजा करते हैं। चरण एक चरण पांव और दूसरा चरण है उनका चारित्र, उनका चारित्र, चारित्र धन है समझना, भरपूर में समझना है, संक्षेप में समझना है, आत्मा के लर्निंग और जगत के कार्यों के प्रति उदासीन, शुद्ध आत्मा की लगनी और जगत के कार्य और पदार्थों के प्रति उदासीन, चारित्र जिसको विस्तार चाहिए उसको सातवीं गाथा प्रवचन सार की देख लेना, अनुपमेय है, जितनी समझ सकते हैं उतनी समझ सकते हैं, हमारी हैसियत लिमिटेड, सिर्फ चार या पांच लाइनों में समस्त विश्व का या समस्त मोक्ष मार्ग का सार बता दिया, गुरु गम से समझना, मगर पूर्व भव के बहुत संस्कार है तो अपने आप भी समझने की कोशिश कर। और तीसरा चरण आज्ञा, एक चरण है तो जो पांव कहते हैं, एक चरण है तो चारित्र है, और तीसरा चरण है वो आज्ञा कमांडमेंट। यहां भक्त कवित्री मुझे लौंग लटक गुरु चरण की, लटक गुरु चरण की, लटक शब्द बहुत स्पेशल, कुछ और अच्छा नहीं लगता है तब लटक है, नाप्यस्ति मम किंचित भी अन्यत् परमाणु मात्रम, ऐसा सिद्धांत में गए आचार्य, इस विश्व का एक परमाणु भी मेरा नहीं है क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा जो है वो सब व्यवहार, अध्यात्म की परिभाषा वो गुरु मन से समझ, अपनी हैसियत के मुताबिक समझ, मुझे लागे लटक गुरु चरण ने, गुरु के तीन तीनों चीज जो है उनका मैं शरण लेता, चरण तो जो तीन अर्थ है उनका मैं शरण लेता, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाग, ऐसा पागलपन जब अपने जीवन में आएगा तब मोक्ष नजदीक होगा। सभी महापुरुष को महापुरुषों का दुनिया ने पागल ही किया, सबको देखो उन्होंने तो अपने को भी पागल किया क्योंकि उसकी भूल हो गई, ऊंट जैसी मेरी दशा हो गई, और ये तो कहते हैं आप स्वभाव मेरे अवधु सदा मगन में,
और गणेश प्रसाद जी कहते हैं वो रात को भी सो जाते थे तो दूसरे लोग कहते कि अरे भाई हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, तुम तो पूरी रात में समय सार की आत्मख्याति जो टीका है उसको रटते हैं, तो मन में रटो तो तुम तो बड़े स्वर से रटते हो, हमारे बिंद में खलेल पड़ती है, तुम्हारे तुम्हारे साथ सोएंगे ऐसा कर। जो वर्तमान में दिगंबर समाज की तरक्की है वो सब उनके आधीन, दोन पुरुष के आधीन है बस। जगह 100 से ज्यादा पाठशाला समय अपने को किसी व्यक्ति की बात नहीं करती, लगन जिसको लगती है उसको दुनिया पागल कहती है, और ऐसे पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलती है। शांति सागर जी महाराज, हेमचंद्राचार्य जी महाराज, आनंद जी महाराज, सब महापुरुषों ने अपने अपने समय में अपने अपने योग महान कार्य किया। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सद्वृत्तों का सुयश करके दोष ढाको सभी का, सद्वृत्तों का सुयश करके दोष ढाको सभी का। जीवन में क्या करना है? महापुरुषों के चरित्रों का स्मरण करना, वांचन करना, ध्यान करना, उसका जो जो उन्होंने तपस्या की, ज्ञान किया, श्रद्धा की, जो अनेक प्रकार के जो महान कार्य किए उसको हमारी स्मृति पर लगाने से हमारा जो मूढ़ आत्मा हो गया है, कुंभकर्ण जैसा हो गया है, उसकी भी निंद खुलती है, उसकी भी निंद खुलती है। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, सत्पुरुषोना चरित्रोनु स्मरण करो, सत्पुरुषोना चरित्रोनु वारंवार स्मरण करो। इसलिए महावीर भगवान ने तो क्या किया, एक वेद बना, क्या कहते हैं उसको, प्रस्मान योग, क्या कहते हैं, प्रस्मान योग, महापुरुषों के चरित्रों का गुणगान हम सबको करना चाहिए। गुणगान तब किया जब उनके गुण हम हमारे जीवन में अपना गए तो गुणगान सच्चा किया, ये तो ठीक थोड़ा बड़ा पुण्य मिल जाएगा। वो कैसा हमारा, हमको गुरु से हमारी चरण गुरु चरण की हमें लगन लगी वो कैसे मालूम पड़े साहब, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, झूठ माया सब सपनन की, वाला झूठ माया सब सपनन की, मोहे लागे लटक चरणन के, मोहे लागे लटक चरणन की। प्रीति अनंती परथ की, जे तोड़े हो ते जोड़े हो, परम पुरुष थी रागता, एकत्वता की हो गुण दे, वृषभ जिनंद सुलीत। मालूम कैसे होगा कि मेरे को लगन लगे, धीरे धीरे मालूम तो होगा, जितनी परमात्मा से लगन लगती है उसकी जगत उतनी जगत के पदार्थों से अलगन लगती। और मैंने तो ऐसा दुर्भाग खा, ऐसे पैंडे खा गया, मैंने बर्फी खाया, जाओ तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं है। हाँ ठीक है, शरीर है और उसको चलाना है, उसके लिए खाना आवश्यक है, क्योंकि हम इतने पुण्यवान नहीं है, हमारे शरीर को तो रोजाना कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, मगर कुछ चाहिए आहार करो नहीं, ये तो बहुत बड़े महापुरुष की बात, करवो तो पुद्गलना सहोरूप जाणीने, करवो करवो तो पुद्गलना सहोरूप जाणीने, स्व
स्वाद लो त्याग तेरे आहार लो खरो त्याग ज्ञानियों कहे जारे दुनिया में कई पण न गवे दुनिया की कोई पण वस्तु दुनिया भगवान दुनिया की वस्तु नहीं है और यदि भगवान जब इधर होते हैं तब भी वो दुनिया की वस्तु नहीं है क्योंकि उसमें रागवेश है क्या भगवान में थोड़ा रागवेश होता है भगवान से हम बहुत प्रेम करते वो हमारे को प्रेम करेंगे क्या नहीं करेंगे बाहर तत्व दृष्टि से नहीं करेंगे वो भक्ति की दृष्टि से करेंगे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे को भगवान से ऐसी हो गई है और प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से सब आगम भेद सुपूर्ण और केवल को विज्ञान कर निज को अनुभव बतलाई दे थोड़ा गंभीर है बोलिए भगवान गंभीर है मतलब सोच नहीं लो यहाँ पर कोई जो आए हैं बड़े बड़े महापुरुष भी आए हैं थोड़े मेरे जैसे भी आए कोई बात नहीं कोई भी आए सबको तो समझना है सबको अपनाना है सबको जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आपकी आज्ञा अपनाने का पालने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा भगवान आपकी आज्ञा से ही मोक्ष आनाय धम्मो आनाय तव आनाय धम्मो आनाय तव झूठी माया सब सपनन की ऐसा लगता है अपने को पहले थोड़ा लगे फिर जाने लगे मोहनी कर्म तो एक ही है मगर इसके दो विभाग श्रद्धा को मारने वाला है वो दर्शन मोहनी और चारित्र को मारने वाला वो चारित्र मोहनी मगर जो दर्शन मोहनी जो मरता है तो थोड़ा चारित्र मोहनी उसके साथ अवश्य मर जाता है नहीं मरता बड़े ज्ञानी है तो क्या इतना मालूम नहीं आपको मोहनी कर्म की जो सात प्रकृति होती है उसमें दर्शन मोहनी की जो चार प्रकृति है वो श्रद्धा को मानती है और चार है वो चारित्र को मानती है अच्छा अच्छा हमको मालूम नहीं मगर मालूम होगा क्या रहा है तो जब भगवान से परमात्मा से शुद्धात्मा से दुनिया कैसी हो जाती है सुख से क्या हो गया क्या हो गया गारंटी मिल गई कि अभी आपको मोक्ष को जाना ही पड़ेगा चाहे आप चाहे या चाहे आप ना चाहे अब आपकी चलेगी नहीं पहले वचनामृत में ऐसा आता है सम्यक तो एम कहे कि मने ग्रहण करा पहला विचार कर लेजो मने एक बार ग्रहण करीश तो तारे मोक्षे जबूज पड़शे माटे जो तने हजु दुनिया में एम लागतो होय के अहिया थी लाड़वो लई लो ने अहीं थी लाड़वो लई लो तो पछी तारू काई चालशे विज्ञान भले हम लोग हमारी बुद्धि बहुत मलिन भी है और छोटी भी है मगर हमारे स्वामी की बुद्धि है स्वामी मायनेगण है भगवान को नहीं है भगवान को बोलते नहीं भगवान के प्रत्येक प्रदेश में दिव्य ध्वनि खेलती है वो श्रद्धा पर नहीं होती ओंकारात्मक अकारात्मक समझो अनक्षरात्मक होती है उसको गणधर
समझ सकते हैं, वो उस अक्षरात में कहलाते हैं मेरे स्वामी क्या कह रहे हैं। तो वो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, चार ज्ञान के धनी होते हैं। अपने को दुनिया जब तक सपना जैसी नहीं लगती है, ऐंठ जैसी नहीं लगती है, क्या कहते सकल जगत ते ऐंठ वत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए नानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। अंदर में क्या लगता, ज्ञान होए कि तुरंत मुनि मुनि पर आ जाए, ऐसा नियम नहीं है। मगर मुनि होने की चटपटाहट लगती है, मगर चटपटाहट से क्रमशः होता है, और मुनि होने पर भी एकदम मोक्ष नहीं होता। इसका अर्थ तो नहीं हो सिद्धांत ऐसा कहते हैं। आत्मज्ञान भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, नियम सार में आता, नियम सार का एक पक्ष, आत्मज्ञानात् भवति यमिनाम आत्मलब्धि क्रमेण, वह केवल ज्ञान की बात है। आत्मलब्धि मैंने क्या, पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति धीरे धीरे होती है। अब समय की मर्यादा है इसलिए टूक में ले लेते हैं। भव सागर सब सुख गया है, पितर नहीं मोह तरणन के, मोह लागे चरणन के। दोनों पक्ष ले लेना, यहां पर अभी निश्चय से ले लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में राणा का महल छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया, अपना राज छोड़ दिया, हाँ भव सागर सब सूख गए हो गए, फिकर नहीं मोह तरंग निकली, चुल्लू भर संसार रह गया। अभी महापुरुषों के, महापुरुषों के लिए अभी चुल्लू भर संसार रह गया। कहना भी है समय सार की जो टीका वगैरह है उसमें भी मिला आपको, जिसको पढ़ना है वो 92 गाथा के वो अमृतचंद्राचार्य जी की आत्मख्याति को पढ़ ले, उससे मालूम पड़ जाए। अरे अभी तो आप तो आत्मा है और इधर तो भरत चक्र भरत क्षेत्र में है, आप कहते कि हमको हमारा मोक्ष हो जाएगा, हो जाने वाला, उनकी बात क्या करते हो रहा? ये राजचंद्र जी महाराज जी कहते हैं, क्या कहते तिथि देह एक धारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश, तेथी देह एकज धारी ने जाशु स्वरूप स्वदेश। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर उलट भई मोरे नयन, अपने को पागल कहती है स्वीकार, अपने को वो पागल करती है कहते हैं, अपने पागल पड़े का स्वीकार भी करती है कि भाई दुनिया में सब लोग को जो चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो दुनिया को मान्य ही नहीं है, तो उसको फिर प्राप्त करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो तुम लोग जो पागल हो जाते हो, वो आत्मा को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, मोक्ष को मान, हम ही परमात्मा। वो कहते हैं पैसा हो गया बहुत और थोड़ी डिग्री हो गई, सत्ता आ गई, तो भगवान के पास, तुम्हारे भगवान के पास कितने आदमी आते हैं, 30, और हमारे पास 3000 आदमी आते हैं। देखो हमारा ये पेंडिंग फाइल, हमारा पेंडिंग फाइल देखो, हम झूठ नहीं बोलते, आप बड़े महापुरुष हैं, आप मानव से भी बड़े हैं, ऋषभदेव से बड़े हैं, राम से बड़े हैं, हो सकता है, हमारे लिए तो जो है वो ही ऐसा, जब हमारे तो लगन लगेगी, ऐसी हमारे को जब लगन लगेगी तब फिर हमारा काम जो करने के लिए हम यहां आते हैं, हम क्यों यहां आते हैं, यहां पेड़े मिल जाए, लड्डू मिल जाए, पानी भी नहीं मिलते, पानी भी कहीं से लेकर क्या व्यवस्था करेंगे लोग आगे जाकर, तो लड्डू खाने, लड्डू तो खाने को कोई आया नहीं है, काहे को आते। ऐसे मोक्ष का
ऐसे अनंत आनंद की हमके हमारे हमें श्रद्धा हो गए, हमें अंतर की लगन लगे, सबको गौर करके हम लगन लगावे लगती नहीं है, बहुत प्रयत्न करने भी लगती नहीं है, वो भी लगा नहीं, और जब लगे फिर काम हो जाएगा। तो आचार्य कहते मर करके तुम लगन लगाओ अंत में ऐ कथम मृत्वा तत्व कौतूहल सन क्या उद्गत अभिलसंतम उद्गत अभिलसंतम स्व समालोक्येन त्यजसि झटिति मूर्त्या साकम एकत्वो। ये भव की मूर्ति है वो मैं हूं ऐसा हो गया है वो छूट जाएगा मर करके तो पुरुषार्थ कर। हम तो भाई जिनके नौकर है उनकी बात आपको कहते हैं, सभी संतों के नौकर हैं, सभी आचार्यों के नौकर हैं, इनकी तो कुछ नहीं है तो भगवान की तो पूछने के नहीं। ऐसे महापुरुष के वचनों से हमारा आत्मा जागे, परमात्मा के साथ लगन लगावे और सही रूप से आत्मज्ञान और आत्म समाधि को प्राप्त करके अल्पकाल में परमात्मा हो जावे, यही परमात्मा से प्रार्थना है, यही हमको कंपलसरी करना है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जन्म जरा व्याधि मृत्यु और दूसरे दुख रहते ही रहे पड़ते ही रहे, हमको झेलना ही पड़ेगा। बलात्कार भगवान चलेंगे नहीं, पाप का उदय आएगा तो कैंसर होगा, पाप का उदय आएगा तो लड़का मर जाएगा, पाप का उदय आएगा तो पति मर जाएगा, पाप का उदय आएगा एक्सीडेंट से स्कल का फ्रैक्चर माथे का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जब होनी है तो उसमें मेरी तुम्हारी कुछ चलते आत्मकारो आत्मकारो क्षेत्र लोग क्या कहते हैं इसको ये पागल है उसको जेल में कूदो
ज्ञानी को क्या कहते हैं, इसको कहा ये? लोग कहे मेरा भाई बावरी, बाप कहे कुल नाशी रे, जहर का प्याला राना ने भेजा, मेरा हाथ सिरे। सब सब सभी महात्माओं के बारे में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी अंदर में तो ऐसा ही मानते कि मजा तो अच्छा है, क्यों उल्टी उल्टी बातें जो है नहीं कुछ ये बात करता है, तो दुनिया को बहुत उल्टे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, तो भी इसका पूरा ही कर दो। मुझे ने राम राठे पहले कौन सा वो तो अपने आयुष कर्म के आगे रहे, आप कितना भी मुझे जहर देते मगर मेरा मरना तो मेरे आयुष के आगे नहीं, निश्चय है व्यवहार है सर जो निमित्त दुनिया जो मानते उससे पूरा।